वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल पांडा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक सिक्स लीड टेबल फैन को कैसे रिपेयर किया जा सकता है, कैसे इसका लीड को हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा लीड कैपेसिटर का है और कौन सा लीड बाकी जो स्पीड का होता है, स्पीड कॉइल के लिए उसके लिए होता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, हम लोग आपको फुल बता देंगे। दोस्तों पहले आपको इस तरह का एक सीरीज बोर्ड लेना है जिसके दोस्तों एक स्विच पे, स्विच को ऑफ करने के बाद सीरीज होता है, ये देखिए एस लिखा हुआ है, और ऑन करने के बाद डायरेक्ट होता है। दोस्तों पहले आपको इस तरीके का सीरीज बोर्ड लेना है। अगर दोस्तों आप लोगों को सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आता इस तरीके से, जो एक स्विच में डायरेक्ट एक स्विच में सीरीज जाता है, तो आप लोग दोस्तों मेरे को कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए ये बल्ब हमने सीरीज में, ये स्विच को मैंने ऑफ कर दिया और ये हमारा सीरीज में कनेक्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों दोनों को शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब ग्लो हो रहा है। दोस्तों मेनली टर्म जो होता है कैसे पहचानेंगे इसका कैपेसिटर के वायर, दोस्तों जॉन जो वायर सबसे कम रीडिंग देता है यहाँ पर, जिस वायर को लगाने के बाद इस पर सबसे कम लाइट ग्लो करता है सीरीज लैंप में, वो होता है दोस्तों कैपेसिटर का वायर। दोस्तों देखिए मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो पहले देखिए दोस्तों ये सिक्स लीड है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड और एक है ब्लू, और एक है हाफ व्हाइट करके, व्हाइट कलर का एक वायर है। तो ये छः लीड है, इस छः लीड का एक स्टेबल फैन है, इसको हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पर टच करने के बाद। पहले उस तो ये हम लोग व्हाइट में लगा रहे हैं, ये देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है बहुत कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा। ये व्हाइट वाला, ये जो ब्लू वाला, नहीं ये ब्लू नहीं, ये ग्रीन येलो वाला जो वायर है इसमें दोस्तों रीडिंग आ ही नहीं रहा है, मतलब इसका अंदर से कोई फॉल्ट है। दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं। ये ग्रीन में ही बहुत तेज़ जल रहा है और ये ब्लैक में ही बहुत तेज़ जल रहा है। दोस्तों देखिए जो, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग तो ये व्हाइट वायर से बाकी पांच वायर को टेस्ट करके देख लिया, तो ये ब्लू में बहुत कम जल रहा है, बाकी सब में ज़्यादा जल रहा है, और ये येलो वायर एकदम से डेड है। तो देखिए अब दोस्तों इस ब्लू वाला वायर में लगाता हूँ और ये देखिए इसमें बहुत कम जल रहा है, ये जो सीरीज लैंप है एकदम से कम, इसमें बहुत ज़्यादा येलो में रीडिंग आ ही नहीं रहा है और ग्रीन में बहुत ज़्यादा है, ब्लैक में ही बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको टेस्ट कर देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ये जो व्हाइट और ब्लू वायर है इसमें दोस्तों रीडिंग बहुत कम आ रहा है, मतलब ये दोनों ही हमारा कैपेसिटर का वायर है। तो देखिए दोस्तों हम लोग अब वीडियो में बने रहिए, मैं इस दोनों को जो व्हाइट वायर है, ये देखिए व्हाइट वायर को मैंने कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया इस तरीके से, और ये ब्लू वायर को, ये ब्लू वायर को मैंने कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया व्हाइट और ब्लू को कुछ इस तरीके से, देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। अब दोस्तों इसको लाइन देके देखेंगे कि कैसे घूम रहा है। ये देखिए इसमें साफ पे मैं जो ब्लैक टेप आता है पीवीसी टेप, उसको मैंने चिपका दिया यहाँ पर, अभी बाकी को टेस्ट करके दिखाता है। ये देखिए मैंने इस जो ब्लैक वायर है इसमें लगा दिया है एक टर्मिनल सीरीज बोर्ड के, देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है। अब दूसरे में लगा के दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन है इसमें इसमें बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है। ये जो येलो वायर है ये एकदम से खराब है, ये डेड लाइन है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। अब दोस्तों कैपेसिटर का तो मैंने व्हाइट वाला वायर चेक किया, अब इसका दोस्तों जो ग्रीन ब्लू वाला वायर है उसको चेक करते हैं, इसमें नहीं घूम रहा है, इसमें जाम हो रहा है, मतलब इसका सैप बूस्ट भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने येलो से ब्लू वायर से रेड को टच किया, घूम नहीं रहा है, ये भी घूम नहीं रहा है और इसमें भी घूम नहीं रहा है, मतलब ये जो व्हाइट वाला वायर है जो कि हमारे फैन के लीड से बाहर आ रहा है, इसको कैपेसिटर के जोड़ने के बाद हम जिस भी लाइन से जोड़ेंगे पंखा हमारा घूमेगा और अच्छा हवा भी देगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर तो वीडियो अच्छा लगे, आपको कोई मोटिवेशन इससे लगे कि हाँ वीडियो अच्छा बन रहा है, दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही हम लोग नया नया वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। ये दोस्तों एक सिक्स लीड टेबल फैन का कनेक्शन था, ये मेरे को दिखाने का मेन मकसद यह था कि अगर इसमें से कोई लीड आउट भी हो जाए, कटआउट भी हो जाए, तब भी हम लोग इस फैन को चालू कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वायर है इसको हम लोग एक फेज दे देंगे या न्यूट्रल दे देंगे, और ये जो स्विच सिस्टम है इसके अंदर, ये देखिए स्विच सिस्टम जो है इसके नीचे बाकी का तीन वायर लगा के यहाँ पर फेज लाइन देंगे तो फैन हमारा एकदम से ओके चलेगा। दोस्तों वीडियो में आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस तरीके का कोई सीरीज बोर्ड आपको बनाना है दोस्तों कमेंट कीजिए, कमेंट कर अगर कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको इस तरीके का एक सीरीज बोर्ड भी बना के दिखाऊंगा।